मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से रीवा कलेक्टर ने किया भ्रमण, घर घर लोगों को भी समझाया। बीएलओ को दिए निर्देश, अपने क्षेत्र के हर घर में जाकर मतदाताओं की समस्याओं का करें निराकरण। आने वाले विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए प्रशासन ने बनाई है योजना। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। आज रीवा जिला कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया गया। इस दौरान ढेकाहा आईजी कार्यालय समीप कई स्थानों में भ्रमण किया गया। इस दौरान कई कार्यालयों एवं घरों में जाकर मतदान करने के लिए लोगों को समझाइश दी गई। खासतौर पर महिलाओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि इस समय हमारा रिवीजन चल रहा है। बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि लगाने वाले विशेष कैंपों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से रहे। इसके साथ ही घर घर जाकर वोटरों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। इस दौरान महिलाओं को विशेष तौर पर समझाइश दी गई है कि वे अपने मत का उपयोग जरूर करें, जिससे सही सरकार का चुनाव हो सके। प्रशासन स्तर पर इस बार विशेष तौर पर उन लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है जिनके या तो नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं या फिर वह वोटर लिस्ट में जुड़े हैं। जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, ऐसे वोटों का नाम जोड़ने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि जल्द ही विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में वोटरों के सामने आने वाली समस्याओं को शिविर के माध्यम से दूर करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। इस दौरान महिलाओं को विशेष तौर पर जागरूक करने का भी प्रयास किया गया है। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या वजह है कि अपना समरी रिवीजन चल रहा है, तो इसमें जितने भी बीएलओज हैं उनको ये निर्देश है कि विशेष कैंप के दिन उनको सभी को अपने अपने मतदान केंद्रों पर बैठना है। और उद्देश्य ये है कि जो ये रिवीजन का समयावधि है, इसमें हमारे सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओज जाएं, न सिर्फ मतदान केंद्र की व्यवस्थाएं देखें बल्कि मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाला अगर कोई भी वोटर हमारा छूटा हुआ है, खासकर रीवा जिले में इस बार हम लोग अभियान चला रहे हैं कि जितने भी महिला वोटर छूटे हुए हैं वो जरूर इस बार की मतदाता सूची में जुड़े। तो इसीलिए ये निरीक्षण किया गया है कि सभी बीएलओज अपना काम भली प्रकार से करें और समय पर लोगों को उपस्थित रहें। जिस समय विशेष कैंप के 10 सप्ताह में जो 2 दिन कुछ तारीखें नियत की गई हैं, उनके अतिरिक्त इन लोगों को डोर टू डोर सर्वे भी करना है, यानी प्रत्येक घर जाकर के ये पता करना है कि कोई नया वोटर जुड़ा है, कोई नाम कटना है, कोई नाम शिफ्ट होना है। तो इस तरीके से मतदाता सूची अपडेटेड रहे, मतदाता सूची बिल्कुल प्योर रहे, इस बात पर फोकस किया जा रहा है। तो चुनाव की तैयारियां जो शुरू हो गई हैं, तो उसी तरह मैम, जो निचली बस्ती और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए, वोटिंग वोटर्स के टर्नआउट को लेकर के अगर हम लोग देखें तो ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है। वोटर्स टर्नआउट सबसे कम शहरी क्षेत्रों में रहता है और इसी बात के लिए हम लोगों ने स्वीप का प्लान इस बार तैयार किया है। सीओ जिला पंचायत उसके नोडल अधिकारी हैं और स्वीप के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी अगले लगातार चरणबद्ध तरीके से 1.5 महीने। और उद्देश्य यही रहेगा कि चाहे वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार की बस्तियाँ हों, जो वोटर्स अपना वोट डालने के लिए डालना चाहते हैं उनको न सिर्फ हम लोग सुविधाएं उपलब्ध कराएं बल्कि लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है इसके प्रति भी जागरूक करें। इसके लिए टीम लगातार काम कर रही है।